कल मैंने हाला को तुम्हारे साथ हंसते हुए देखा यार। तुम्हें पता है मुझे मुझे लगता था कि हाला सिर्फ हमजा के साथ हंसती है। ये मेरा तेरे दिल से जा मिला है, रब से जिसको मांगा तू वो सिला है। हाला को अपना लो, मैं रास्ते से हट जाता हूँ। कोई भी मर्द ऐसी बात नहीं कर सकता। तुम होश में नहीं हो हमजा। अरे होश में हूं यार, चाहे तो आजमा लो। नाम हमजा रईस अहमद, बाप का नाम रईस अहमद। नजर भी ठीक ठाक है। ये देखो ये बाज है और इसमें शायद ये क्रैक भी है ना। ये फजूल की बात तुम्हारे दिमाग में आई कहां से? किसने कहा? हाला ने? हाला मर कर भी ऐसी बात नहीं कर सकती। एक्चुअली हाला ने तो नहीं कहा, पूछा भी था मैंने। कितना अच्छे तरीके से जानते हो ना तुम उसे, और तुम उसे बिल्कुल भी नहीं जानते। शायद इसलिए तो कह रहा हूं कि तुम और बस 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 हमजा, इससे आगे कुछ भी मत कहना। तुम मानो या ना मानो, लेकिन इस सब के पीछे भी ना तुम्हारी मां की कोई नई साजिश है। अम्मी के बारे में कुछ नहीं कहोगे तुम? ठीक है, नहीं कहता, नहीं कहता कुछ भी, क्योंकि बेटा अगर मां से बददिल हो जाए ना तो दुनिया की किसी औरत पर भी एतबार नहीं कर सकता। मैं यहां किसी के कहने पर नहीं आया करूं हमजा। तुम गलत फहमी का शिकार हो रहे हो। आई कैन एक्सप्लेन यू। मैंने कल तुम्हारी आंखों में शक देखा था। शक ही तो खत्म हो गया कल को। कल मैंने हाला को तुम्हारे साथ हंसते हुए देखा यार। तुम्हें पता है मुझे मुझे लगता था कि हाला सिर्फ हमजा के साथ हंसती है। पहले ही हंसती थी नेचुरली। शी हार्डली न्यू मी। हर वक्त रोती रहती थी। बहुत मेहनत लगी मेरी। एंड आई यूज्ड टू वंडर क्यों, क्योंकि हमारा रिश्ता एक हादसाती तौर पर हुआ था। लेकिन शायद तुम तो उसकी चॉइस थे यार। क्योंकि कल जैसे वो तुम्हारे साथ हंस रही थी, वो कितनी खालिस हंसी थी है ना। उस हंसी को तो खालिस होना था ना हमसा। जब इंसान का दिल सुकून पा जाए ना तो हंसी ऐसे ही खूबसूरत होती है। वो माफ कर देने वाली हंसी थी जो तुमने हाला के चेहरे पर देखी। माफ कर देने वाली हंसी? उसने मुझे माफ कर दिया। और तुम्हें एग्जैक्टली इस माफी की जरूरत क्यों पड़ी? जमीन की वजह से। जमीन चाहती थी कि पहले मैं हाला से माफी ले आऊं, उसके बाद ही उसकी माफी का हकदार हूं मैं। तो मैं गया हाला के पास। समझ लो कि
वहां पर हाजिरी लगाने गया, लेकिन वहां जाकर पता चला कि हालांकि माफी की मुझे शदीद जरूरत थी, उसने मुझे समीन के लिए माफ कर दिया। और जानते हो हमजा, इतने दिनों के बाद मैंने अपनी मां को ख्वाब में देखा, वो खुश नजर आई मुझे, खुश नजर आई। देखो गौरव, प्लीज मुझे बेवकूफ मत बनाओ। तुम हाला से प्यार करते थे और उससे रिश्ता बनाए रखने के लिए तुमने समीम का इस्तेमाल किया। तुमने समीम को धोखा दिया और बाकी सबको। If you want to watch more and get updated, so follow AIY Digital's YouTube page.